काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो। चोरी हो जे इत्थे तां कोई वड्डी गल नी, चोरां दे हक च कानून चलदा, डाकुआं दे कोले इत्थे वादू पैसा ए, जालमां नू डर नी किसे वी गल दा। नोट कड्डो जेब चों गुलाबी रंग दे, फांसी भी हो जू इत्थे माफ सजना, इज्जतां लुट के पैसा मारे बड़का, माड़े दिना सुने कोई आवाज सजना। उधार लैण वालियां तां मिलन इत्थे, पैसे देण वालियां ना मिलन किते, मैं लब लब हार गया ओ आंटी। मैं हूं आपका मेजबान हैप्पी सिंह और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम, जो के पीडीएम हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, या आप सब्जी लेने जाएं, कोई भी आप हरकत करें उस पे ये गाना बना सकते हैं। किसी को इश्क हुआ हो और वो ब्रेकअप में तब्दील हो गया हो तो उस पे भी ये गाना बना देंगे। पीडीएम टूटी हो या जुड़ी हो उस पे भी ये गाना बना देंगे। अगर किसी सियासतदान ने कोई करप्शन की हो उस पे भी आपको ये गाना सुना देंगे। तो मेरे साथ हैं आसिम, आसिम से गुफ्तगू बढ़ाएंगे। आसिम कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप ठीक? मैं ठीक ठाक। आसिम सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टैलेंट आप में आया कैसे? जी शुरू से मैं थोड़ा शरारती था। अच्छा। मुझे शौक था कि सॉन्ग वगैरह सुनता था और मुझे फ़न करने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कुछ ना कुछ सोचना, कोई लतीफ़ा वगैरह बना देना या ऐसे यारों दोस्तों के साथ फ़न करते रहना, तो इससे ही आगे आगे मेरा शौक बढ़ता गया। मैंने अपने ये मेरा टैलेंट बाहर आता गया। अच्छा। मुझे दोस्तों ने कहा कि यार तू ये इस अपने टैलेंट को आगे बढ़ाओ। वाह। पर बस कुछ हालात ऐसे हैं घर के मामला देख के, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने इस टैलेंट को आगे शो कर सकूं। तो इसलिए कभी कोई थोड़ा टाइम मिल जाए तो दोस्त वगैरह ले जाते हैं शुगल करना, वीडियो वगैरह बनानी, तो बस ऐसे ही। इकबाल के शहीन आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, पीडीएम पीडीएम पीडीएम, हर तरफ पीडीएम हो रही है और मरियम को नैब भी बुलाने वाली है, तो क्यों ना एक पीडीएम पे सॉन्ग हो जाए? जी ज़रूर, इन पे भी मैंने एक सॉन्ग राइट किया है। अच्छा। और जैसे कि हालात चल रहे हैं, जिससे पूछ लो, गरीब जिस गरीब से भी मैंने बात की है, हालात पूछी हैं, वो आगे से रो के ही दिखाता है। कैसे रोता है? बस वो अपने मैं सॉन्ग में आपको अच्छा। कुछ बताऊंगा। अच्छा। आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट करें। डाकुआं दे पुत्तर ने दूरों तक वे गल्लां ही करन कर देनी कख वे, माड़े दा ते इत्थे मरे दा जे हक वे, मुलक दा इना छड़िया नी कख वे। नून लीग लुट के मासूम बन गई, पीटीआई ओदे तो मासूम बन गई, मैनू तां ए तीर वी अजाब लगदा, हर पार्टी दी जे इत्थे वारी लगदी, लुट्टण वाली सारे कर दे आखीर जी, तोड़ पैंदी बाइक उत्ते कौन बैठूगी, अल्लड़ां दी अख जांदी शीशे चीर दी, रांझे आवे कर गई तू हीला कर दा, गुड़ी जे मुहब्बत तू चोना हीर दी। चोरी हो जे इत्थे तां कोई वड्डी गल नी, चोरां दे हक च कानून चलदा, डाकुआं दे कोले इत्थे वादू पैसा ए, जालमां नू डर नी किसे वी गल दा। नोट कड्डो जेब चों गुलाबी रंग दे, फांसी भी हो जू इत्थे माफ सजना, इज्जतां लुट के पैसा मारे बड़का, माड़े दिना सुने कोई आवाज सजना। जिस दिन उत्ते जाके पेश होणगे, उत्ते 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 जाके पेश होणगे, अग तां उत्थे दी हड्डियां वी चीर दी, रांझे आवे कर गई तू हीला कर दा, गुड़ी जे मुहब्बत तू चोन हीर दी। यार लेवल मजा आ गया यार। अच्छा ऐ तुहाडे नाल कोई वाकया पेश आया गाना लिखिया सी? नहीं वाकया नहीं, जैसे हालात चल रहे हैं, मैं भी एक यानी के बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो आजकल हर बंदे को पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। हाँ। गरीब गरीब से होता गरीब तर होता जा रहा है। हाँ। और अमीर जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कोरोना से इस चीज़ से। अब एक डेली जिसने जाना है कमा के घर के लिए लाना है उसके लिए मुसीबत है। 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। हाँ। तो जिसने 10 बजे जाना है, 5 बजे, 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, वो सारा रश 6 बजे के करीब ही ये खुद जान के मार्केटों में रश बढ़ा रहे हैं।
मार्केट का टाइम ज़्यादा कम कर दिया। अब मैंने 10 बजे शॉपिंग करने जाना है, मैंने भी कहना है 6 बजे मार्केट बंद है तो पहले मैं मार्केट चला जाऊँ। ऐसे ही सारे हमारे मुल्क की जो वाम है मार्केटों में आजकल रश देखने में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसे ही आसिम, कभी आपके सामने कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि किसी आपके दोस्त को मार पड़ी हो किसी लड़की से, उस पर कभी गाना लिखा? जी ये वाकया भी हमारे साथ हुआ है। हम ये पार्क में गए थे वैसे ही घूमने के लिए, तो एक हमारा दोस्त काफ़ी शरारती था, यानी कि पून टाइप था, तो उसने ना लड़कियों को देखा तो उसे ना ऐसे उसने कहा लड़कियों के साथ मस्ती करते हैं। मैंने कहा भाई जाने दे, क्यों मार पड़वानी है? अच्छा। वो कहता कुछ नहीं, कहता लड़की है कमज़ोर सी है, इन्होंने मारा क्या कर लेना। मैंने कहा भाई मैं नहीं आगे आ रहा, आगे तेरी मर्जी है। अच्छा। कहता बस तू शुगल देख। उसने जाके लड़की से पता नहीं क्या कहा, ये उसने आज तक नहीं मुझे बताया। कहता बस छोड़ दे, पर उसने जब बात की है तो वो सारी लड़कियाँ उसे पड़ गई हैं, कपड़े फाड़ दिए, उसको नाखून लग गए काफ़ी, चपेड़े मारी, तो आज तक वो कभी हमारे साथ पार्क में नहीं गया। अच्छा। ऐसा सुधर गया। उस पर कोई लिखा गाना? हाँ उस पर भी मैंने लिखा है। अच्छा। ये काके का सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग। अच्छा। कि बिलो हत्था टिले आंदा की करेंगी, सुके सुके टिले आना की करेंगी, बिलो हत्था टिले आना की करेंगी, नी तेनू गुस्से विच वेख मेनू हसाया वे क्यों, हो काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो, काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो, काली सी सुजुकी ओंदी हुंडा मेरा टिप टॉप, हुंडा ला लिया सुजुकी नाल सी, मैं ओनू किया मेरी जी एफ बनेगी साली, गुस्से विच आके होगी लाल सी, चुक ओने इट मेनू मारी लक विच, मेरे तोते गैसी उड ओंदी पहली झंड तो, हो काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो, काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो, ओ जदों उठना वा सोके मेरे उड़दे ने तोते, दस वी ना सका जिथे मारी लत सी, 18-19 वी कुड़ी अंज पड़की, पड़क दी जावे जिवें कोई अग जी, अग तो ख्याल आया ओदे हथ दा, निकले सी सेके मेरे खब्बे कन तो, काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो, काले जे मांस नाल कुटगी कुड़ी, दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो। अच्छा आसिम कदी कुट पई तां कुड़ी कोलो? नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। और आने वाले वक्त का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लड़कियां आजकल बहुत फास्ट है। एक हमारे दोस्त के साथ हुआ है, वो भी प्यार के चक्करों में पड़ गया। अच्छा। लड़की ने काफ़ी थोड़ा बैलेंस करवाया, ये कर वो कर, काफ़ी गिफ्ट दिए उसने। हाँ। पर वो आगे से ऐसी थी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाँ। खाती इससे थी, खिलाती किसी और को थी। ओ यार। तो उस पे भी मैंने एक सॉन्ग लिखा। अच्छा, हाँ, हाँ, सुनाए, सुनाए, उस पे भी चूना लागिए पैसे दिए वैरने, चूना लागिए पैसे दिए वैरने, रात नू उठाया क्यों बैलेंस कराया क्यों, हजार दासी किथे गया समझ ना आया, चूना लागिए पैसे दिए वैरने, जो कसरां रह गईयां सी तू कर लिया पूरियां, मैं भी हुण बदले लैने मैं पाया नहीं ने चूड़िया, फोन मेरा किनू दिता गिफ्ट किता सी तेनू शौकना, गल मेरी तू सुन दी जा चुप तू बै अगू पौंकना, दस दें दी जेंज करना मैं पैसे तेरे ते लौंदा ना, जे लैके सी तू अगे सेंड करने मैं जैज कैश भी करौंदा ना, चूना लागिए पैसे दिए वैरने, चूना लागिए पैसे दिए वैरने। यार बढ़िया, बहुत कमाल, बहुत कमाल। अच्छा कदे कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि किसी दुकानदार दे नाल किसी बुढ़ी ने बहस की हो, उससे कोई गाना लिखा कदे?
इस पे भी मेरे पास है। अच्छा हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा किराने का स्टोर है। अच्छा तो मैं उधर घर का कुछ सामान लेने गया। अच्छा तो अभी मैं गया ही था कि एक पीछे से औरत आई, कहती कि मेरे हस्बैंड ना रात को आएंगे तो मुझे आप थोड़ा सा मुझे राशन का सामान चाहिए। अच्छा तो मैं आपको रात को हस्बैंड आते हैं तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा तो आगे से दुकानदार ने अपना रोना पिटना डाल दिया। अच्छा कि पहले भी मेरे ऐसे कहता कि मेरे पहले भी ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो उधार ले गए हैं वापस ही नहीं आए। होता भी ऐसा है कि जब उधार कर लो किसी से गाह खराब होता है, पैसे भी गए कस्टमर भी गया। तो कहता पहले ही अब देख लें कि मेरी दुकान का क्या हाल हो चुका है, अब रोज़ का रोज़ लाता हूँ वही बेचता हूँ, फिर लाता हूँ वही बेचता हूँ, अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं और उधार कर सकूँ। तो औरत थी शर्मिंदा होकर वापस चली गई। तो उधर मेरे एक जहन में आया कि मैं इस पर भी कुछ करूँ जो आम को फनी लगे, जिससे वाम हमारी खुश हो, ठीक है। तो इस पर भी मैंने लिखा था। अच्छा ये भी पंजाबी सॉन्ग है। ओ कोई नार जे उधार मेरे नाल कर दी, ओनू दस दे सौदा बाजी मुल विकद, इत्थे उधार लैण वाले तां जे निकले बड़े, पैसे देने वारी नहीं जी कोई दिसद। अम्मा एक मेरे नाल उधार कर गई, मैं लब लब थक गया लभी ना कदे, ओंदे घर भी सी गया कहिंदे इत्थों छड गई, दसांगे जरूर सानू लभी तक दे। उधार लैण वालियां तां मिलन इत्थे, पैसे देने वालियां ना मिलन किते, मैं लब लब हार गया ओ आंटी, खाता लम्मा चौड़ा अम्मा दे उधार दा, दुकान खाली कर गई जे थोड़े वीर दी, तोड़ पैंदी बाइकी उत्ते कौन बैठूगी, अल्लड़ां दी अख जांदी शीशे चीर दी, हाले तक दिता नहीं किराया दुकान दा, सोच सोच सिर नू भी चढ़ी पीड़ जी। वाह यार बहुत वधिया यार बहुत वधिया। अच्छा आसिम कदे इस तरह होया कि तुहानू कदे इश्क होया? नहीं इश्क नहीं हुआ, ये सब अच्छा। रंगबाजी, आज के दौर में कोई इश्क नहीं है। इश्क था पहले रूहों का इश्क होता था, आज जिस्मों का इश्क हो रहा है। अब अगर कुड़ी कहती है कि शादी करनी है तो लड़का मजबूरियां डाल देता है, यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर लड़का सनसेर होता है तो लड़की कहती है नहीं आपकी कास्ट हो रहा है, मेरे घर वाले कास्ट के अलावा कोई कहीं पर शादी वगैरह नहीं करते। तो अगर दोनों हो जाए तो फिर घर वाले नहीं मानते, जमाने वाले ये हो रहा है वो हो रहा है, आपकी लड़की ऐसी है आपका लड़का ऐसे है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत सी खुदकुशियाँ भी हो रही हैं। लेकिन आसिम वो सुनी है आपने स्टोरी सनाउ दाऊद की? हाँ जी वो भी सुनी है। तो उसके बारे में कुछ लिखा आपने, कोई शेर वगैरह? जी उस पर भी मैंने एक शेर लिखा है। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। पंजाबी शेर है। अच्छा। मैं ज्यादातर पंजाबी करता हूँ, मुझे पंजाबी का शौक, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, जट ज्यादा मेरी। बहुत बढ़िया। तो वो शेर था कि इश्क ना पुछदा दीन मजहब ते इश्क ना पुछदा जाता, जे इश्क करना ते करो सना दाऊद वर्गा, ओए उन्हां दे इश्क दियां क्या ही बातां क्या ही बातां यार। बहुत आला बहुत आला यार बहुत आला आसिम, बहुत मजा आया थोड़े नाल। अच्छा कदे कोई ऐसा हादसा पेश आया थोड़े नाल कि तुसी आप अपने ते गाना लिखा होवे? अपने पे कुछ नहीं, मैंने हल कदे कुछ नहीं लिखा, नहीं अपने पे क्या लिखना। अच्छा, बस लोकां ते ही सोड़ दे पे, बस जो देख रहा हूं जो नजर आता है उस पे सोच समझ के कुछ बना लेते हैं। आजकल हमारे मुल्क के हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, तो इससे बहुत परेशान था, तो इस पे मैंने एक सॉन्ग लिखा है। घर वाले कहते हैं कि नहीं छोड़ दे, इनके खिलाफ नहीं बोलना, ये बोलना वो करना है, तुम्हें कुछ कर देंगे। नहीं नहीं, तो मैंने कहा होना जो ही है जो किस्मत में है। बिल्कुल 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 है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा टैलेंट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो किस्मत में हुआ जैसा हुआ होना वही है। बिल्कुल, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कभी अपने पेरेंट्स के लिए कोई गाना? पेरेंट्स के लिए मैं अपना एक सॉन्ग, मैंने अपनी माँ पे एक सॉन्ग लिखा है, अपना रैप सॉन्ग है मेरा। अच्छा वाह क्या बात है, वो मैं आपको बिल्कुल सुनाइए। मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है,
सुनो लोगो सुनाऊं तुम्हें अपनी जुबानी, थोड़ा गौर से सुनो ये है माँ की कहानी। दर दर की खाई ठोकर अपने बच्चों की खातिर, मैंने माँ से ही सीखा है मेहनत कर जिंदगी बेतानी। वो माँ ही है बच्चों की खातिर आंसू बहाती है, खुद भूखा रहना सीखा खाना बच्चों को खिलाती है। बेटा कोई किसी की यूं तकलीफें नहीं उठाता, बस माँ ही बच्चों की खातिर चमड़ी धूप में जलाती है, थक जाती है कमाती है पैसे बच्चों की खातिर, पर बच्चे मारे धक्के जब बारी बच्चों की आती है। माँ ही वो हंसती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, मेरी माँ ही वो हंसती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है। आसिम बहुत आला, बहुत आला। आसिम आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। अच्छा, जो डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको कोई पैगाम देना चाहोगे? उनके लिए यही है कि मुझे एक्टिंग का भी शौक है, उसके अलावा ये फन करने का, सॉन्ग लिखने का, सिंगिंग करने का। और आज तो मेरा वैसे थोड़ा सा गला भी साथ नहीं दे रहा, गला बहुत ख़राब है। तो माशाल्लाह मैं, मुझे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, पर मैं इसमें कोई गुरूर वगैरह नहीं करता, बस लोगों की कही सुनी बातें। मैं कुदरत की तरफ से टैलेंट मिला हुआ है, कुदरत की तरफ से, बस अल्लाह पाक जिसको जिस नेमत से नवाज दे। बिल्कुल, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, इतना को अल्लाह पाक ने मुझे ज़हन दिया कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, पोइट्री हो जाए, सॉन्ग हो जाए, कोई गाना कॉपी करना हो, हर चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल आसिम, आप में टैलेंट है और कुदरत की तरफ से बहुत अच्छा टैलेंट आपको मिला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर देख रहे होंगे आपको, वो आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर देंगे और चांस मिलना भी चाहिए इस तरह के टैलेंट को, क्योंकि जो टैलेंट आप में है मेरे ख्याल में एक नंबर टैलेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते जाएंगे। इसी तरह की मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस टैलेंट को आगे लेकर जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, रब रखा।